नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। धौलपुर जिले के बाड़ी तहसील में उपखंड अधिकारी मुनिदेव यादव द्वारा गांव व विद्यालयों में चौपालों स्वीप कार्यक्रमों के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें विद्यालय छात्र छात्राओं व चौपालों में ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक किया गया और मतदान का महत्व बताया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। जुनून के रूप में आप काम करो, फिर देखते हैं बाड़ी का प्रतिशत अच्छा क्यों नहीं होगा। सबका अच्छा होगा, जोड़ने की जरूरत। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने 150 बच्चों को समझा दिया, सबके दिमाग में बात बैठ गई कि वोट का उपयोग करना चाहिए। बैठ गई ना सबके दिमाग में? अगर तुम भी 150 को नहीं तो 10-10 को भी बैठाओ तो कितने हो गए? 1500 हो गए। 150 बच्चे, 10-10 बच्चों को जो वोट नहीं डाल रहा, ताश खेल रहा है या अपने वोट को बेच रहा है या कोई धर्म जाति के नाम पे दे रहा है, उनको अगर अपन ये कहें कि वोट डालना है अपने को, जो आपकी मर्जी है उस कैंडिडेट को डालो, ये अपने को किसी को नहीं कहना है कि आप इस व्यक्ति को दो, इसको दो, इस दल को दो या उस दल को दो। अपना उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो व्यक्ति अपने वोट का इस्तेमाल कर ले। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के कस्बे नरसिंहपुरा चौराहे के पास स्थित खेतों में अचानक आग लगने से 4 किलोमीटर तक खेतों में आग फैल गई। आग की लपटें देख प्रशासन के हाथ पांव फूले। सूचना पाकर प्रशासन मौके पर पहुंचा, दमकल को बुलवाया व आग पर काबू पाने का प्रयास किया। प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। पिछले 2 घंटे से ज़्यादा हो गया टाइम आग लगते हुए, फायर ब्रिगेड नहीं होने की वजह से आग ने फिलहाल रूप ले लिया है। मारवाड़ में हमेशा ये समस्या रहती रहती है कि फायर ब्रिगेड पाली से इस वजह से मंगानी पड़ती है। अभी समस्या का बढ़ने का वजह ये फायर ब्रिगेड ना का होना। तक हमारे गांव के अंदर खूब आग लगी है कितना छोड़ाई के बाजू में, और नहीं तो कोई प्रशासन वाले पहुँच रहे, दूसरे कोई गाड़ी ब्रिगेड गाड़ी कोई आगे गाड़ी पहुँची नहीं है। क्या करें, हम रोक नहीं पा रहे हैं, न ट्रैक्टर वाले को जैसी वाले पहुँच रहे हैं, ठीक है गाँव वाले कोई काबू कर रहे हैं। अभी थाने की गाड़ी आई है और बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में निर्वाचन अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने कुशलगढ़ उपखंड के सभागार में चुनाव संबंधी बैठक आयोजित की व सभी अधिकारियों को आचार संहिता के बारे में जानकारी दी। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। और सारे मतदाताओं को मत देने का अवसर बराबर नहीं मिल सकता, इसलिए हमारी जिम्मेदारी दोगुनी बढ़ जाती है। किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, वो सभी की जिम्मेदारी है। आप और हमारी सभी सार्वजनिक जिम्मेदारी है, और जो यहाँ नहीं बैठे हैं वोटर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो। 12 जिले के छिपा बड़ौत में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता रैली में राजकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया व कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने रैली में भाग लिया, मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत प्रशासन की मदद से भूमाफियाओं ने छात्रावास पर डाले ताले। बापू छात्रावास का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीलीभीत में आयोजित प्रेस वार्ता के जरिए सपा कार्यकर्ता व सदस्यों ने अपनी सफाई देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। मंत्री जी का कहना है कि भूमाफियाओं ने प्रशासन की मदद से छात्रावास पर ताले लगाए हैं। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से बापू छात्रावास का प्रकरण है, बापू छात्रावास में प्रशासन की मदद से भूमाफियाओं ने ताले डाले, और अभी माननीय मंत्री जी हाजी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई कि जिस तरह से 12 तारीख को एक नोटिस दिया गया वहाँ छात्रों के लिए कि ये बिल्डिंग जर्जर है और इस बिल्डिंग को आप खाली कर दें, और नोटिस में 19 तारीख तक का समय उनको दिया गया था, 19 अक्टूबर तक का 7 दिन का समय उन्हें दिया गया। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिला प्रशासन की कि उन्होंने जो अवधि उन्हें दी थी छात्रों को, उसके 2 दिन पहले ही 17 तारीख को ही सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जाके और भूमाफियाओं के साथ में जाके वहाँ पर ताले डलवा दिए। ये थी आज की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।